The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap dosto? Main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. So dosto, jaisa ki aap jante hain, hum aapke liye वीडियोस लाते रहते हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में. क्रिएटिन क्या है और क्रिएटिन, क्रिएटिन कुछ भी लोग कहते हैं इसको, और क्यों इसकी आपको ज़रूरत है. जी हाँ, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, फिटनेस में हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी को क्रिएटिन की ज़रूरत है और वो मिल भी रहा है. लेकिन ये सप्लीमेंट में भी आता है और किसको सप्लीमेंट लेना चाहिए, किसको बेनिफिट होगा, किसको साइड इफ़ेक्ट होगा, क्यों होगा, आज हम जानेंगे. क्रिएटिन, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि एक ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये तो दिस इज़ मोनो क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड मोनोहाइड्रेट. ये है हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का. सो ये एक प्रोडक्ट है, बातचीत प्रोडक्ट की है, बट लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअल थिंग. उसके अंदर क्रिएटिन क्या है, सो बातचीत करते हैं. सी, क्रिएटिन सेकंड, एक्चुअली वे प्रोटीन के बाद सेकंड मोस्ट ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है सप्लीमेंट मार्केट में. लेकिन ये उस चीज़ के बारे में नहीं, हम क्रिएटिन एक्चुअली क्या है उसके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं कि यस, इसकी आपकी बॉडी में, मसल मास में, स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट में, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में, या सिंपल हेल्थ बेनिफिट में, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट में क्या बेनिफिशियल रोल है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है तो, और सेफ्टी प्रोफाइल क्या है. सो क्रिएटिन नॉर्मली भी आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपके मसल्स में होता है, आपकी बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है. 1 ग्राम क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद बनाती है नॉर्मल खाने पीने से. नॉर्मल खाने पीने से आपकी बॉडी खुद 1 ग्राम के आसपास क्रिएटिन रोज बनाती है और उस क्रिएटिन को मसल में जाके स्टोर कर देती है. मसल्स में फिर ये यूटिलाइज होता है. जब भी आप कोई एक्सरसाइज, कोई वर्क करते हैं, सो मसल की एनर्जी जो यूटिलिटी होती है उसको रिसाइकल करने, ATP जो यूज़ होते हैं उसको रिसाइकल करने में क्रिएटिन यूज़ होता है. इसीलिए एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स मसल गेन के लिए या एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के लिए, अपने परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए क्रिएटिन यूज़ करते हैं. केमिकली स्पीकिंग ये एक सिंपल अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स जैसे कि दो चीज़ों से बनता है, ग्लाइसिन आर्जिनिन. ग्लाइसिन आर्जिनिन, कई सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं. अल्टीमेटली जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके डाइट में भी से उनको क्रिएटिन, नॉनवेज से भी क्रिएटिन मिलता है, चिकन, फिश, मीट सब में क्रिएटिन होता है. सो टेक्निकली क्रिएटिन आप ले ही रहे हो. सो एक सप्लीमेंट का रोल क्या है, एक क्या क्रिएटिन का किसी और चीज़ में, आपके टेस्टोस्टेरोन्स में, आपके ग्रोथ फैक्टर्स में कोई रोल है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं इस चीज़ में. पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं. ज़्यादातर क्रिएटिन आपके मसल्स में स्टोर है, थोड़ा बहुत खून में घूमता रहता है और थोड़ा बहुत किडनी में मेटाबोलाइज होके क्रिएटिनिन बनता है. क्रिएटिनिन जो सीरम, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन अलग है, क्रिएटिनिन अलग है. क्रिएटिनिन उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्सक्रीट होना चाहिए किडनी के थ्रू. सो क्रिएटिन जब मेटाबोलाइज होके बनेगा क्रिएटिनिन, ठीक है. सो नॉर्मली आपकी बॉडी में एक स्टोरेज होता है, पूरी बॉडी के सारे मसल्स में एक स्टोरेज एरिया हो, स्टोरेज लेवल होता है क्रिएटिन का, जिससे कि ATP जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसको रिसाइकल किया जाता है ताकि आपकी बॉडी, आपकी मसल को और एनर्जी मिले. ये जो आपके स्टोरेज है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है किसी किसी में 120, किसी किसी में 140. तो 120-140 मिलीग्राम्स का पर डेसीलीटर का इसका आपका मान के चलिए रोल होता है, स्टोरेज होता है. अब एग्जैक्टली क्रिएटिन और क्या क्या करता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड. सी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में इसका प्राइमरी रोल है जो फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स हैं मसल के अंदर, वो ATP रीजनरेट करेंगे. सो हाई इंटेंसिटी इंटरवल बूस्ट करेंगे आपके वर्कलोड को. आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर पाओगे, आप ज़्यादा अच्छे से खेल पाओगे अगर स्पोर्ट्स में हो. और मसल के अंदर जो सेल सिग्नलिंग होती है कि मसल में एक्सरसाइज हुई, इंजरी हुई, मेटाबॉलिज्म हुआ, अब इसमें रिपेयर होना चाहिए, अब इसमें न्यू ग्रोथ होना चाहिए, इस सिग्नलिंग को भी वो
इम्प्रूव करता है, फास्ट करता है. उसमें जो लैक्टिक एसिडोसिस बेस्ड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी ये जल्दी जल्दी बाहर निकालता है. एनाबॉलिक हॉर्मोन्स को ये स्टिमुलेट करता है, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जी हाँ. और आपको हाइड्रेट रखता है, क्योंकि क्रिएटिन से मसल के अंदर वाटर और खींचा जाता है, वाटर स्टोर होता है मसल में, वाटर रुकता है, तो मसल का साइज भी बड़ा दिखने लगता है, मसल वॉल्यूमाइजेशन हो जाता है, सो मसल ग्रोथ भी होती है, बिकॉज उसके अंदर हाइड्रेशन होगा तो ही रिएक्शन होगा. एनीथिंग, एनी केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन वाटर. देन प्रोटीन ब्रेकडाउन थोड़ा कम होता है, बिकॉज क्रिएटिन के वजह से एनर्जी होती है, तो मसल्स टूट के एनर्जी यूज कम होती है, सो मसल ब्रेकडाउन रिड्यूस करता है. और इट लोअर्स योर मायोस्टैटिन लेवल. मायोस्टैटिन आपकी मसल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सो मायोस्टैटिन लेवल को भी ये कम करता है. तो क्रिएटिन एक्चुअली इज वेरी गुड. और ना सिर्फ मसल, क्रिएटिन ऑल्सो इंक्रीजेस फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स इन योर ब्रेन, तो ब्रेन हेल्थ भी इंप्रूव करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को भी ये कुछ हद तक प्रिवेंट करता है. सो यस, देयरफॉर इसीलिए आपकी बॉडी क्रिएटिन बनाती है 1 ग्राम में, और जो नॉनवेज खाते हैं उनको और मिल जाता है. सो दैट्स हाउ इट इज. सो क्रिएटिन गिव्स योर मसल्स मोर एनर्जी, ब्रेन एनर्जी इंक्रीजेस योर ग्रोथ एंड ऑल. सो मसल गेन में भी फायदा है और बहुत सारी चीज में. तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी हो चुकी है, जो आप स्टडीज जाके पबमेड पे चाहो तो देख सकते हो. सो लाइक आई सेड, क्रिएटिन अब लेना कैसे है, कितना लेना है, और कौन कौन सी बीमारियों में, सबसे इंपॉर्टेंट अगर ब्रेन की बीमारियां काम करें का बात करें तो यस, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, चाहे वो पार्किंस हो, हंटिंगसन डिजीज हो, इश्चेमिक स्ट्रोक हो, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो, किसी को भी इन सारे क्रिएटिन से फायदा मिलता है. यहाँ तक के बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, अगर किसी को प्रोटीन और क्रिएटिन कॉम्बिनेशन में सुबह शाम दिया जाए, इवन इफ दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग 60-70 की उम्र के बाद, तो मसल ग्रोथ होते हुए देखी गई है, ब्रेन के अंदर एक्टिविटी बढ़ते हुए देखी गई है, जी हाँ. सो दैट इज वेरी गुड. सो क्रिएटिन इज नीडेड. इसीलिए कई लोग, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ज़्यादातर पूरी ज़िंदगी भर, उनको देखा गया है कि भाई वो चलते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो दैट्स एट्रीब्यूटेबल वन पार्ट, सम पार्ट टू क्रिएटिन. सो क्रिएटिन इज गुड, वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या उसका कोई और हेल्थ बेनिफिट है? वन, यस, क्रिएटिन से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी. आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा भाग दौड़ करोगे, ज़्यादा चल पाओगे, तो शुगर लेवल इंप्रूव हो सकते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं. क्या क्रिएटिन से मसल फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी ओल्ड इंडिविजुअल में? ऑब्वियसली. क्या क्रिएटिन से लिवर डिजीज में नॉन फैटी लिवर वालों को फायदा होगा? ऑब्वियसली. जब क्रिएटिन से फैट लॉस हो सकता है, वेट कम हो सकता है, शुगर कम हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? ऑल्दो मसल्स में बल्किनेस आएगा, पानी भरेगा, ऑल्दो वेट कम नहीं होगा, फैट लॉस हो सकता है. वेट लॉस जरूरी नहीं है, फैट लॉस होगा. सो दैट इज गुड. सो क्रिएटिन इज गुड ओवरऑल फॉर मोस्ट एवरीबॉडी, एक्सेप्ट कुछ लोगों में जिनका ऑलरेडी किडनी डैमेज हो चुका है, उस केस में क्रिएटिन के लिए डोज लिमिटेशन है, बिकॉज ऑलरेडी डाइट से क्रिएटिन तो बन ही रहा है. सो डोसेज की बात आ जाती है, पहले डोज से ज्यादा फॉर्म. क्रिएटिन में कई सारे फॉर्म है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो आपने देखा, और इसके माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन भी आता है, जो कि माइक्रोनाइज यानी बहुत छोटा कर दिया जाता है, जल्दी घुलता है, फटाफट अब्सॉर्ब हो जाता है. बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन आपको ले सकते हैं खाने के साथ, खाने के साथ या कार्ब्स के साथ जब क्रिएटिन लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मसल स्टोरेज होता है. फिर बात करते हैं डोज की, कितने डोज में क्रिएटिन काम करता है. देखिए, नॉर्मली लोग इसकी लोडिंग भी लेते हैं, 20 ग्राम पर डे से करने शुरू कर देते हैं, 5 ग्राम सुबह दोपहर शाम रात, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी. लोडिंग करने से पेट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किडनी पे साइड इफेक्ट्स थे, लोडिंग की जरूरत नहीं है. बेसिक डोज इज द बेस्ट. नॉर्मली आपकी बॉडी 1 ग्राम बना रही है, नॉनवेज वालों को 1-2 ग्राम और मिल जाता है आराम से. सो मैक्सिमम डोसेज जो चाहिए वो 3-5 ग्राम बस मैक्सिमम. इसीलिए ज़्यादातर कंपनियों की सर्विंग भी, इसकी सर्विंग आप देखेंगे तो 3 ग्राम पर डे की सर्विंग है इसकी, 3 ग्राम्स पर डे एक सर्विंग का वो है, 3 ग्राम्स का स्पून है, कईयों का 5 होता है, तो 3-5 ग्राम का आपका सर्विंग स्पून होता है, सर्विंग साइज होता है क्रिएटिन का. और नॉर्मली आपके जो हमने बताया था आपको कि मसल्स के अंदर जो स्टोरेज होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, सिर्फ 20% तक बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ क्रिएटिन. सो क्रिएटिन कैन बी टेकन एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं. एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का एक बेनिफिट ये है, इसको आप खोल के देखेंगे तो इसमें अंदर भी आपको एक QR स्कैन कोड मिल जाएगा, जिससे आप प्रोडक्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि बीच में कोई प्रोडक्ट गलती से किसी ने मिक्स
वो क्या बोलते हैं, अदला बदली तो नहीं कर दिया, क्योंकि कई बार बीच में नकली प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सो ये बेसिक अच्छी चीज़ है कि नकली प्रोडक्ट के ये लोग काफ़ी अच्छा वो बना के रखते हैं। फिर अगर आप इसे खोल के देखेंगे, ऑलराइट, सो खोल के आपको एक पाउडर मिलेगा बढ़िया वाला वाइट कलर का, विच इज़ देयर, जिसमें आपको एक स्पून मिलेगा। तो आप इसको 1 स्पून 3 ग्राम्स के हिसाब से ले सकते हो। सो दिस इज़ द क्रिएटिन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जो आप ले सकते हो। दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, आई रिकमेंड इट क्वाइट फ्रेंकली। अभी आई एम गोइंग टू यू नो यूजिंग इट ऑल्सो। एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अनफ्लेवर्ड है, अनफ्लेवर्ड, इसमें कोई ज़्यादा उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स फ्लेवर या कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव ज़्यादा एडेड नहीं है ना के बराबर। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, ग्रेट। सो आई वुड रिकमेंड इट, ये आप मार्केट से ले सकते हो, नीचे सॉरी अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका हम प्रोडक्ट लिंक और नीचे डाल देंगे, आप बिल्कुल जाके इसको ले सकते हैं प्रोडक्ट लिंक को। इसके साथ में आप एक पर्सनलाइज्ड डाइट और पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान भी ले सकते हो, एक नंबर दिया हुआ है, अब जाके वहाँ पे उसके साथ दिया हुआ है तो ले सकते हो। वेरी गुड प्रोडक्ट, आप इसको ज़रूर ट्राई करो, नीचे लिंक है। क्रिएटिन इज़ नो प्रॉब्लम, किडनी पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इसके, अगर आप सेफ डोज में लोगे आपका 3 to 5 grams, अगर बहुत ज़्यादा लेने लग जाओगे और पानी नहीं पियोगे तब प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर विद दिस, एटलीस्ट 3 to 4 liters, 3 liter तो लेना ही लेना है, गर्मी हो ठंडी हो डजेंट मैटर, पानी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रोटीन ले रहे हो चाहे क्रिएटिन ले रहे हो, यू नो दैट एज ई वेरी वेल। सो मेक श्योर कि अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो इसको भी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो गुड प्रोडक्ट, ट्राई इट, लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।